क्या काम? अब विशाल प्यार ही मुझे इतना करते हैं कि मुझे कोई काम ही नहीं करने देते। बस काम वाली भाई आती हैं और दोपहर तक का सारा काम कर देती हैं। हाँ मुझे बस शाम का खाना गर्म करके इन्हें देना होता है। अरे मेरी छोड़, तू अपनी बता, तेरा हनीमून कैसा रहा? कहीं बाहर घूमने गए या फिर पूरा हफ्ता तुम लोगों ने होटल में ही बिता दिया? एक सेकंड होल्ड कर। कितना टाइम लगता दरवाजा खोलने में? कब से खटखटा रहा था मैं, क्या कर रही थी? अब ऊपर से आने में टाइम तो लगता है ना, भाग कर तो नहीं आ सकती हूँ मैं। और तुम्हारे पास घर की चाबी है तो तुम भी खोल सकते हो ना गेट, इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अच्छा ठीक है, वो एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम अभी ऑफिस से आए हो, थोड़ी सांस तो ले लो, थोड़ी देर में बना देती हूँ। हाँ चाहत, अरे वो कट गया होगा, आई थिंक नेटवर्क इशू होगा ना। हाँ हाँ वो अभी आए हैं घर पर। अर्पिता पानी ला दो ना। हाँ लाती हूँ, थोड़ी देर रुको ना। अर्पिता मुझे प्यास लगी है, पानी ला दो ना। तो पी आओ जाकर, इतना काम तो तुम खुद भी कर सकते हो ना। यार मैं थक गई हूँ। तुमसे तो बोलने ही बेकार है। अच्छा सुनो ना, मेरे लिए भी थोड़ा पानी लेते आना प्लीज। सोने दो। नाराज हो? अच्छा सॉरी ना, प्लीज मान जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे दूसरा तरीका भी आता मनाने का। अर्पिता, अर्पिता क्या कर रही हो? अच्छा मान जाओ। अरे अर्पिता, 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 अर्पिता बात। आइए तुम्हें सब आपका पेपर। आप भी देर तक सो रहे थे लगता है, आज ऑफिस नहीं है क्या? नहीं दाई, ऑफिस तो है, कल रात देर तक काम करता रहना तो आंख नहीं खुली। आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बना देती हूँ। काई, लंच बॉक्स रेडी हुआ?
हाँ सब बस हो गया। ये लीजिए। क्या हुआ ताई? तबीयत तो ठीक है ना? बहुत पसीना आ रहा है? बस थोड़ी गर्मी लग रही है। अच्छा ताई, मैं रात को लेट हो जाऊंगा, अर्पिता को बोल देना। ठीक है। ताई क्या हुआ? ताई सीने में दर्द हो रहा है बहुत। अर्पिता ताई उठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। उठिए ताई, आराम से आइए। अरे नेहा, कॉलेज से आ रही है, आज जल्दी छुट्टी हो गई। अच्छा सुनना, घूमने चले गई? फिल्म देखने चले गई मेरे साथ, एक नया मॉल खुला है उसी में चले गई। शकल देखी अपनी आईने में? मूवी वो भी तू लेके जाएगा? अब इतने घटिया दिन भी नहीं आए हैं, ठीक है? अब आइंदा मुझे रोकने की कोशिश किया ना बीच में, तो मैं नहीं ये चप्पल जवाब देगी तुझे। आई बात समझ में? हट। हाँ, कोई राजकुमार आएगा तुझे फिल्म दिखाने के लिए यहाँ पे? हाँ, कॉलेज जाने लगी तो खुद को राजकुमारी समझती है क्या? जो बचपन से प्यार करता हूँ उसके तेरे नखरे सहन कर रहा हूँ, वरना लड़कियों की कमी नहीं है मुझे, समझी? हट। क्या हुआ माँ, तुम ठीक हो? हार्ट अटैक आते आते बचे। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है और ठीक से दवा ना लेने की वजह से इन्हें अटैक आया। कल ही कहा था ना आपको कि टाइम पे दवा ले लीजिएगा, तो क्यों नहीं लिया आपने? सुबह देर हो रही थी, सोचा लौटते हुए ले लूंगी, मुझे क्या पता था ये नौबत आ जाएगी। आपको कुछ हो जाता तो? डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी हैं, इन्हें टाइम पर देती रहना। हाँ, और डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोले, कम से कम एक हफ्ते तक आराम करने के लिए बोले, और कोई भी काम ना करें। थे डॉक्टर तो ऐसे ही बातें बनाते हैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो ऐसे ही बैठी रहेगी, सांप को चाय पानी के लिए कुछ पूछेगी नहीं। हाँ, अरे ताई जी, अरे बिल्कुल जरूरत नहीं है उस सब की, आप अपना ध्यान रखिए। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ। ये रख लीजिए, काम आएंगे, जल्दी ठीक हो जाइए आप। मैं चलता हूँ। गए? हाँ चले गए, आज अगर साहब नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। क्यों, मेम साहब नहीं थी क्या? मेम साहब 12 बजे से पहले उठती कहाँ है? आज इतना सब कुछ हो गया, साहब ने मेम साहब को इतनी आवाजें लगाई लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। वो उन्हें कुछ कहते नहीं है? क्या कहेंगे, बहुत सीधे बहुत भोले हैं साहब, गलत लड़की से शादी कर ली। हाँ माँ, अभी तक आए नहीं है वो, बस वेट कर रही हूँ। विशाल, तुमने ड्रिंक किया आज? हाँ किया तो। अच्छा ठीक है, किचन में खाना रखा हुआ है, गरम करके खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ माँ बोल। विशाल, ये कर क्या रही हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, जब तक मोबाइल में चिपकी रहती हो, ऐसा क्या है इस मोबाइल में? हाँ, अरे अपनी जिम्मेदारियों को समझो, एक साल हो गया हम लोग की शादी को, लेकिन अभी भी तुम वही केयरलेस वाली अर्पिता हो जो शादी से पहले थी, पर ऐसा है कि मोबाइल में जो तुम चिपकी रहती हो हर टाइम? विशाल, तुमने ड्रिंक की हुई है आज, इसके बारे में हम कल ही बात करेंगे, मेरा फोन बात आज ही होगी। तुम्हें पता है हाँ शांति ताई को सुबह हार्ट अटैक आया था, अगर मैं ऑफिस चला जाता और यहाँ पे कोई ना होता उनकी जान भी जा सकती थी, तुम्हें समझ में आती है? अरे कौन सी औरत 12 बजे तक सुबह सोती है, बोलो। विशाल तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है,
मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसे मनाना है। ए, ड्रामे करने बंद कर। ये तो अपनी माँ से सीख कर आई है ना। इस तेरी माँ तेरे बाप को गुलाम बनाकर रखती है, वैसे तो मुझे रखने वाली है। ये सब नहीं होगा यहाँ पे। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसे उल्टी पुल्टी बातें क्यों कर रहे हो? मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ के बारे में इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। सॉरी बोलो। तेरी माँ और तेरे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, और इसे मेरा नहीं मानना है। तेरा सारे जानने वाले सारे रिश्तेदारों को भी यही कहना है, गुलाम बनाकर रखते अपने बाप को, वैसे तो मुझे रखने वाली है। सोचना भी मत। और अगर इस घर में रहना है तो कायदे से रहना होगा। ये 12-12 बजे तक सोना, ये मोबाइल में चिपके रहना, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। बाकी औरतों की तरह तुम्हें भी जिम्मेदारियां समझनी होंगी, वरना जा सकती हो तुम्हें ऐसे। हाँ, शॉपिंग के लिए गई थी। क्या खरीदा? अच्छा रुक, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अब ताई की तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है अभी, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने को कहा है, तो मैं आई हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, पहले साहब के लिए चाय बना दो, फिर उसके बाद काम कर लेना। जी हाँ, आप बोल। सब उठिए, सब सब उठिए, सब 8 बज गए हैं। तुम यहाँ पे, फिर वहां पे ताई के पास कौन होगा? आप माँ की चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें नाश्ता और दवाई देके आई, वो भी आराम कर रही है। अरे पर उनके पास कोई तो होना चाहिए ना, वो अकेली होंगी वहां पे, किसी चीज की जरूरत भी पड़ सकती है। और यहाँ पे अर्पिता है ना काम करने के लिए, और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ वहां। हाँ पता है मुझे, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन माँ ने बताया मुझे कि वो कितना ध्यान देती है आप पे। यहाँ मुझे माँ ने ही भेजा है काम के लिए। अच्छा आप नहा लीजिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। मैं जा रहा हूँ। सब एक मिनट, आपका टिफिन दो। क्या वो हंस के रही हो? आपको शर्ट का बटन लगाना भी नहीं आता। ओ जल्दबाजी में भूल गया मैम। मेरे लिए चाय बना दो। जी अभी बना देती हूँ। मेम साहब, काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। इतने जल्दी सारा काम हो गया? हाँ तू तो बड़ी फास्ट निकली, ताई तो दोपहर तक सारा काम करती थी। एक काम कर, कल से तू ही आया कर घर पर। नहीं नहीं वो मुझे कॉलेज भी जाना होता है ना, तो मैं डेली तो नहीं आ पाऊंगी। तो कॉलेज के बाद आ जाना शाम तक, मैं दोपहर तक का सारा काम देख लूंगी। और वैसे भी ताई की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो वो रेस्ट कर लेंगी। अच्छा मैं तेरी पगार बढ़ा देती हूँ। अच्छा मैं माँ को पूछ के बताती हूँ। ठीक है जी। बस यूं ही समझ ले कि बच गई। इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया तक नहीं। अब मोहल्ले वालों से मुझे पता चल रहा है, आप मुझे अपना समझती नहीं है चाची। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बता, उषा कैसी है? हाँ माँ ठीक है, वो कह रही थी कि शाम को आपसे मिलने आएंगी।
अरे नेहा, कहाँ से आ रही हो? आज कॉलेज नहीं गई? साहब के यहाँ काम करने गई थी। नेहा, सोनू के लिए कुछ चाय पानी ले आ बेटा। माँ, दूध नहीं है। रहने दीजिए ना चाची, क्यों तकलीफ देती है नेहा को? मैं फिर कभी पी लूंगा चाय। नेहा ठीक है, मैं फिर कभी पी लूंगा चाय। चलता हूँ मैं। नमस्ते। ये यहाँ पे क्यों आया था? ऐसे ही हालचाल पूछने आया था। आप ना इसे ज्यादा मुंह मत लगाओ, एक नंबर का लफंगा है ये। पता है बेटा, वो तो उषा की वजह से बात कर लेती हूँ। क्यों, कुछ कहा इसने तुझे? नहीं, कुछ कहा तो नहीं है। आपने दवा ली अपनी? हाँ ले ली। चलो ठीक है, अब आप यहाँ पे ही लेटो, मैं खाना बना देती हूँ, ठीक है? अर्पिता, आई एम सॉरी अर्पिता। अरे गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूं, गुस्सा थूक दो ना। अर्पिता प्लीज। अर्पिता हाँ, मैं बस रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, आप अपनी शाम की दवाई खा लेना, भूलना मत। ठीक है ठीक है। पर ये बैग लेके कहाँ जा रही है साहब के यहाँ? वो क्या है ना, काम तो जल्दी खत्म हो जाता है, तो मालकिन ने बोला कि जब तक विशाल जी नहीं आ जाते तब तक मैं वहीं बैठूं। अब इतना खाली टाइम बचा हुआ होता है तो मैंने सोचा कि अपनी बुक वुक लेके चली जाऊं, है ना? अच्छा अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ध्यान से। हाँ। नेहा, तबीयत कैसी चाची की? ठीक है ना? कहाँ जा रही हूँ, काम पर? अरे खुद की माँ की तरह झाड़ू पोछा ही करना है क्या? बोल रहा हूँ शादी कर ले मुझसे, रानी बना के रखूंगा तुझे। बोल तो ऐसे है जैसे कहीं का राजा हो। हाँ, अपनी माँ की तो चिंता है नहीं तुझे, वो भी तो जाती ना लोगों के यहाँ काम के लिए। हाँ, पहले ना तू उन्हें जाके देख, उनकी जिंदगी सुधार, ठीक है? बाद में आना, आया कहीं का जय रानी बनाएगा। चल हट। नहीं माँ, अभी नहीं, अभी तो मैंने उनसे बात तक नहीं की है, थोड़ा और तड़पा लूं, उसके बाद ही बात करूंगी मैं उनसे। हाँ माँ, हाँ समझ गई मैं। ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी मैं। हाँ माँ समझ गई मैं। अर्पिता, अर्पिता, नेहा देख साहब क्यों चिल्ला रहे हैं। जी अर्पिता। जी आपने बुलाया। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अर्पिता को बुलाया मैंने, उन्होंने ही मुझे भेजा है,
कुछ चाहिए आपको? चाय बना दूं? नहीं नहीं नहीं, जाओ तुम यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा खाना भी बन गया है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं लगा देती हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम जाओ। हाँ लेकिन वो जाओ, ताई इंतजार कर रही होगी, तुम ताई के पास जाओ। अरे जाओ ना यार, समझ में नहीं आती क्या? जाओ। हाँ माँ जैसे बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। माँ एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ बोलो। वो था बहुत दुखी है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया है और शायद नाश्ता भी नहीं किया था और टिफिन भी, आप बोलिए ना उन्हें खाना खाने को। तुझे इतनी फिक्र हो रही है तो तू ही खिला देना। हाँ माँ क्या बोल रहे थे आप? सब उठिए खाना खा लीजिए। तुम्हें कहा है ना मैंने कुछ नहीं खाना है, तुम्हें समझ में नहीं आती है। नहीं आज मैं आपकी एक बात भी नहीं मानने वाली। चलिए उठिए और पहले खाना खाइए, मैं तो ही जाऊंगी। खाना नहीं खाना मुझे, तुम जाओ यहाँ से। नहीं तुम पागल हो क्या? तुम जाओ ना, नहीं खाना मुझे कुछ। नहीं क्या कर रही हो तुम? जाओ ताई अकेली होगी, तुम जाओ। चलिए जाओ ना। नहीं पहले खाना, चलिए खाइए खाइए। एक बात बोलूं, आप क्यों इतने पी के आते हैं? अपनी हालत देखिए, मीम साहब तो है ही अजीब लेकिन आपको तो ध्यान देना चाहिए ना, आप तो समझदार। मुझसे बात क्यों नहीं करती है? पति हूं मैं उसका, गुस्सा कर भी दूं तो जिंदगी में नाराज रहेगी क्या मुझसे? कितना मनाने की कोशिश की मैंने उसे, अरे मैंने सॉरी भी बोला उसे, मानती नहीं। क्या करूं मैं, कैसे मनाऊं मैं उसे बताओ। रोने लगी, रोए मत ही। क्या हो गया आपको? कैसे मनाऊं मैं? नहीं माँ मैं ऐसे नहीं मानूंगी, उन्होंने गलती की है तो उन्हें थोड़ा भुगतने दो। माँ मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके बाय। मीम साहब मैं अब मैं चलती हूँ। ठीक है। अर्पिता, 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 अर्पिता,
हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आज जब हम डिनर पे चलते हैं, ओके? मुझे जब तुमसे बात ही नहीं करनी है तो क्यों बार बार करीब आते हो मेरे? मैंने सॉरी बोला ना, सब तो बात खत्म हो गई है, सब कुछ ठीक है ना? तुमने मेरी माँ की इंसल्ट की है, पहले तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी, वरना मुझसे बात मत करना। तो पागल हो गए तुम? हाँ, उनसे माफी क्यों मांगू मैं? अरे उन्हें थोड़ी ना बोला था मैंने। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, पहले तुम उनसे माफी मांगो वरना मुझसे दूर रहना तुम। नेहा, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगी। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पार्टी रखी हुई है, आज वेडिंग एनिवर्सरी है ना, इसलिए। साहब आए तभी घर से जाना बाहर। जी, मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछ। वो आज आप लोग की मैरिज एनिवर्सरी है तो आप अकेले पार्टी में जाएंगी, मतलब साहब नहीं जाएंगे? तू अपना ना ज्यादा दिमाग मत चलाएगा और इधर उधर की बातें मत सोचा कर, समझी? अर्पिता? मीम साहब? नहीं है, वो पार्टी में गई है। Thank you.
पर साहब, नेहा तो बोल रही थी उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा, वो तो किताबें ले जाती है अपने साथ ताकि पढ़ाई कर सके। आप उसे काम पे आने के लिए अब मना क्यों कर रहे हैं साहब? अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही तो मैं ही कल से आ जाया करूंगी। नहीं नहीं ताई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले आराम कीजिए, अच्छे से ठीक हो जाइए। और नेहा नेहा काम बहुत अच्छा है, इनफैक्ट उसने सब काम बहुत अच्छे से संभाल लिया है, उसे काम में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं चाहता कि ये अच्छी पढ़ी हुई लड़की घर पे ऐसे काम करे। और वैसे भी अब अर्पिता सुधर गई है, वो भी घर का काम संभाल लेती है। और आप जब ठीक हो जाएंगे तो फिर आप आ जाना, लेकिन तब तक आप पहले आराम कीजिए। ये रख लीजिए। मां मैं एक मिनट में आई हूं। क्या कहा है अपने माँ को? कहीं आप कल वाली बात से तो परेशान नहीं है? नहीं नहीं, वो कल रात जो भी हुआ। हाँ पता है मुझे कि आप कल वाली बात की वजह से आपने मुझे काम पे आने के लिए मना किया है ना। मैं आपको एक बात बता दूँ कि वो जो कुछ भी हुआ ना, वो आपकी गलती नहीं थी। कल मैं भी खुद को नहीं रोक पाई, पता नहीं मुझे भी कल क्या हो गया था। शायद आप मुझे अच्छे लगने लगे हो। तो वो बात का गिल्ट आप अपने दिल में मत लीजिए, मैं कुछ नहीं किया। हाँ मैं काम पे भी आऊंगी। नेहा तुम काम पर नहीं आओगे। देखो नेहा, बात समझने की कोशिश करो। तुम मैं नहीं चाहता हूं कि ये बात आगे बढ़े और खामखा कुछ प्रॉब्लम हो और बिन वजह अर्पिता तुम्हें कुछ। ठीक है, पता है मुझे, शायद मुझे ही गलत लगा था। कल जो कुछ भी हुआ ना, वो गलती नहीं थी, वो आपने जानबूझ के किया था ना। आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया ना आपको। अब आपको लगता है कि कहीं मैं आपके लिए कोई तकलीफ या कोई परेशानी ना बन जाऊं, है ना? ठीक है, मैं नहीं आऊंगी काम पे, जाइए आप। नेहा बड़ी जल्दी में लग रही हो, काम पर जा रही हो क्या? सुनो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। अरे सुनो तो सही, मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ, देख। अरे लेना। आइंदा मुझे हाथ भी लगाया ना तो। ये तुमने सही नहीं किया नेहा। हाँ माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है, लेकिन पता नहीं चीजें बिगड़ती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या। नेहा छोड़ो, मेरी माँ की जान चली गई, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं। नेहा पागल मत बनो, छोड़ो मुझे। नेहा क्या कर रही हो तुम? हाय उसे मार दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इनकी वजह से माँ की जान चली गई। क्या शांति, शांति तेरी जान चली गई? हाँ हेलो पुलिस,
एक लड़की मुझे जान से मारना चाहती है, आप जल्दी आ जाएं। मैंने ही आपको कॉल किया था, यह लड़की मुझे जान से मारना चाहती है। ये कौन है? तो ये मेरे पति हैं, इन्होंने ही मुझे बचाया इस लड़की से। ए, सच बोल रही? तुमने इन्हें जान से मारने की कोशिश की? मैं लेना चाहती थी इनकी जान, शायद जान ले भी चुकी होती, इन्होंने नहीं बचाया होता तो। लेकिन क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि इनकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई। नहीं सर। ऐसा क्या किया इन्होंने जिससे तुम्हारी माँ की जान चली गई? इन्हें ही पूछिए, ये खुद बताएगी कि ये कितनी नीच है। क्या कह रही है? क्या क्या तुमने इनकी माँ के साथ? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर जो भी किया है इसकी घटिया सोच ने किया। और तुमने तुमने मेरी माँ के बारे में क्या बोला? उनको गाली दी ना? अगर तुम उस दिन ये सारी बातें ना करते ना तो आज ये नौबत ना आती, समझे? क्या पता तुमने हाँ कि तुम उन आदमियों के तरीके नहीं हो जो जोरों का गुलाम बन सके। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि इस आदमी को मैं गुलाम बनाकर ही रखूंगी। फिर अगले दिन नेहा घर पर आई काम के लिए। मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना नेहा और विशाल को नजदीक कर दिया जाए ताकि इन दोनों की नजदीकियों का फायदा उठाया जाए और मैं इस आदमी को ब्लैकमेल कर सकूं। और मैंने वैसा ही किया, मैंने नेहा को काम पर रख लिया और उसको विशाल के नजदीक जाने दिया। तभी तो मैंने ना विशाल से दूरियां बनाई थी। हाँ विशाल इसके करीब आ जाए, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हो। और फिर एनिवर्सरी वाले दिन मैंने तुम्हें झूठ बोला था नेहा कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। मैं किसी पार्टी वार्टी में नहीं गई थी, मैं बाहर बैठ के नजर रख रही थी, समझी? मुझे पता था कि अगर मैं विशाल से लड़ाई कर लूंगी, झगड़ा कर लूंगी तो वो दारू पीकर शाम को जरूर आएगा। जैसा मैंने प्लान किया था ना, सेम टू सेम वैसा ही हुआ। जैसे ही ये घर के अंदर आया मैं इसके पीछे पीछे गई और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। फिर अगले सुबह मैंने विशाल को वो वीडियो दिखाया और उसे ब्लैकमेल किया। एक बड़ा मस्त वीडियो आया है, देखोगे? बड़े हॉट लग रहे हो तुम नेहा के साथ। सॉरी, वो मैं नशे में था, मैं गलती हो गई। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम नशे में थे, अगर नहीं होते तो नेहा के साथ कैसे होते? बाय द वे तुम गिल्टी फील मत करो क्योंकि ये सारा प्लान मेरा था कि तुम और नेहा करीब आ सको, वरना ये वीडियो कैसे बनता? तुम आखिर करना क्या चाहती हो ये प्लान और ये सब? कुछ नहीं, मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ, बस तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहती हूँ। क्या कहा था तुमने उसे? कि मैं उन लोगों के तरीके नहीं हूँ जो जोरू का गुलाम बन सके। अब बताओ गुलाम बनोगे या फिर ये वीडियो अपलोड कर दूं मैं? अरे ये क्या बोल रही हो तुम ये वीडियो अपलोड कर दोगे मतलब? अरे नेहा, नेहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसमें, ये वीडियो डिलीट करो प्लीज। जानती हूँ मैं तुम्हें नेहा की कुछ ज्यादा ही फिकर हो रही है। वीडियो अपलोड करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो
मेरे हस्बैंड आप जाए और गर्मा गर्म मेरे लिए चाय बना कर लाए। ये सब तुम क्या कर रही हो? अरे कम से कम नेहा के बारे में सोचो, उसकी लाइफ के बारे में सोचो। ये डिलीट कर दो प्लीज। जाओगे या फिर अपलोड कर दो? नहीं, हाँ मतलब मैं जाता हूं। मैंने जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन विशाल ने सब कुछ नेहा को बता दिया। मैं बस नेहा को सिर्फ ये बोलने आया था कि दोबारा यहाँ पे ना आए और कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी काम पे, जाइए आप। यहाँ बात दरअसल कुछ और है। मैं क्या बात है, आप बताते क्यों नहीं हो? बात है कि कल रात अर्पिता ने हमारी वीडियो बना ली थी और अब वो उस वीडियो से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है ताकि मैं उसके इशारों पर नाचूं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम घर पर आओ। तुम प्लीज बात समझने की कोशिश करो। वो वीडियो तो मैं कैसे तैसे डिलीट करवा दूंगा, लेकिन अर्पिता तुम्हारी बेइज्जती करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बात समझने की कोशिश करो। और फिर जब मैं घर आया तो फिर मैंने अर्पिता को वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। अर्पिता वो वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। देखो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बन कर रहा हूं तो मैं वो भी बनने को तैयार हूं, लेकिन वो वीडियो डिलीट कर दो। लो ये मोबाइल मुझे। तो नहीं, कभी नहीं। है? ना ही मैं ये वीडियो डिलीट करूंगी और ना ही तुम्हें करने दूंगी। बड़ी चिंता हो रही है ना तुम्हें उस भिखारन की। लगता अपना जादू चला दिया है इसलिए मरे जा रहे हो तुम उसके पीछे। अर्पिता तमीज से बात करो, बड़ी शरीफ लड़की है। तभी सो गई थी वो तुम्हारे साथ, सोचा होगा बड़ा आदमी है, डोरे डाल देती हूँ। अर्पिता खबरदार उसके बारे में एक शब्द भी बोला तो, एक भी उल्टी सीधी बात ही। तुमने उस दो कौड़ी लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया। तुम अब देखना ये वीडियो ना जरूर इंटरनेट पर डालूंगी, समझे ना तुम? अर्पिता 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 मेरी बात सुनो। अर्पिता 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 भगवान के लिए सब मत करो। अरे वो वीडियो डिलीट कर दो, बात समझने की कोशिश करो, नेहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अर्पिता अर्पिता प्लीज अर्पिता। मैंने ऐसे वीडियो डिलीट करने के लिए बहुत बार कहा लेकिन ये नहीं मानी और इसने वो वीडियो अपलोड कर दिया और वो बहुत जल्दी वायरल भी हो गया। उन्होंने वो वीडियो देख लिया और बदला लेने के लिए उसने वो वीडियो माँ को भी दिखा दिया। ये देखिए चाची, क्या गुल खिला रही है आपकी बेटी। मेरे सामने तो बड़ी शरीफ बन रही थी ना, थप्पड़ भी मारा था ना मुझे। अब क्या हुआ, उस विशाल के साथ रंगरलियां मना रही हो? अच्छा हुआ जो मैं बच गया, वरना शादी के बाद मेरे मुंह पे कालिक बोल देती है। माँ ने मुझे तो कुछ नहीं कहा लेकिन उन्हें काफी सदमा लगा था, दिल की बीमारी तो उन्हें थी ही। जब मैं सुबह उठी तो औरत की वजह से माँ की जान चली गई, यही वजह थी जो मैं इनकी जान लेना चाहती थी। इसने मेरी माँ इज्जत सब कुछ छीन लिया। यकीन नहीं होता कि तुम जैसी पढ़ी लिखी औरत कितनी घटिया सोचोगी। तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई
और एक की जिंदगी तबाह हुई। अरेस्ट करो इसे। नहीं सर, मैंने जो भी किया गुस्से में किया, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। विशाल प्लीज माफ कर दो ना मुझे, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। नेहा प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्पिता मुझे नहीं पता कि कानून तुम्हें क्या सजा देगा, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा के लिए मर चुकी हो। बहुत जल्दी डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, साइन कर देना। ले चलो। प्लीज मुझे माफ कर दो विशाल, प्लीज विशाल प्लीज मुझे माफ कर दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नेहा संभालो खुद को। नेहा I'm sorry, ये सब मेरी वजह से, मेरी वजह से शांति तय की जान गई है। I'm sorry नेहा।